दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आधार वर्चुअल आईडी के बारे में, और साथ में मैं आपको आधार वर्चुअल आईडी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देखते हैं टेक्नो गुरुजी। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि आधार वर्चुअल आईडी होता क्या है। तो दोस्तों आधार वर्चुअल आईडी क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बट इज एन आधार वर्चुअल आईडी। दोस्तों बीआईडी विल बी अ 16 डिजिट रेंडमली जनरेटेड नंबर व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल 12 डिजिट आधार नंबर। दोस्तों वर्चुअल आईडी एक 16 डिजिट का रैंडम नंबर है जिसे आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं यूआईडीआई की वेबसाइट से, एम आधार ऐप से और नियरेस्ट आधार केंद्र पे जाके, और इसको आप अपने आधार नंबर की जगह पे यूज कर सकते हैं। नाउ दोस्तों नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको एज अ आधार यूजर जब आप वर्चुअल आईडी को यूज करेंगे तो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो एक बार देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले यू कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ न्यू वर्चुअल आईडी विथ योर आधार नंबर, बट द मोमेंट यू जनरेट अ न्यू वर्चुअल आईडी द ओल्ड वन विल गेट कैंसिल एंड बिकम इनवैलिड। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप मल्टीपल टाइम्स अपने आधार नंबर के थ्रू वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। सपोज आपने एक आपने वर्चुअल आईडी कार्ड जनरेट किया, आपने उसको कहीं यूज कर लिया, आप चाहते हैं कि मैं दूसरा जनरेट करूं तो आप दूसरा जनरेट कर सकते हैं। मतलब यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही इसको जनरेट कर सकते हैं, आप जब चाहे अपने वर्चुअल आईडी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो कि रैंडमली 16 डिजिट नंबर आपके पास जनरेट होगा यूआईडी के वेबसाइट से। और जब आप न्यू जनरेट करेंगे तो जो पहले वाला वर्चुअल आईडी था आपका वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, उसका कोई भी यूज नहीं होगा। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यू कैन यूज वर्चुअल आईडी इंस्टेड ऑफ आधार नंबर व्हेनेवर नीड टू यूज योर आधार नंबर। दोस्तों जहां भी आप अपने आधार नंबर को यूज करते थे वहां पे अब आप वर्चुअल आईडी को यूज कर सकते हैं, चाहे वो आप मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए, गैस कनेक्शन लेने के लिए, या बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, किसी भी तरीके का केवाईसी कराने के लिए आप जहां पे आधार नंबर का यूज करते थे वहां पे आप वर्चुअल आईडी का यूज कर सकते हैं, जो कि मोर सिक्योर है। नाउ दोस्तों जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इफ यू use your virtual ID then only your name, address, photo, date of birth share with any apps and website. दोस्तों अगर आप virtual ID का use करते हैं तब आपका जो आधार का डेटा है, जैसा कि आपको पता है कि आधार का डेटा आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि उसमें आपके बैंक डिटेल, बायोमेट्रिक डिटेल सब कुछ होता है। इसलिए आप virtual ID का यूज करिए, और जब आप यूज करेंगे तो आपका सिर्फ नेम, एड्रेस, फोटो और DOB ही शेयर होगा एप्स के साथ और किसी भी वेबसाइट के साथ जिसके थ्रू आप अपना KYC यूज करने जा रहे हैं, और भी किसी भी प्रकार का आपका बायोमेट्रिक डिटेल्स, आधार नंबर या बैंक अकाउंट डिटेल किसी भी तरीके का आपका शेयर नहीं होगा। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि वर्चुअल आईडी के थ्रू कोई भी आपका आधार नंबर नहीं जान सकता है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। जब भी आप आधार नंबर का यूज करें तब आप उसके जगह पे वर्चुअल आईडी का ही यूज करें। नाउ दोस्तों जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि वर्चुअल आईडी इज नॉट कंपलसरी, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। यू हैव अ ऑप्शन बिटवीन वर्चुअल आईडी और आधार नंबर टू यूज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल आईडी कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूज नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं तो वर्चुअल आईडी यूज करें, अगर आप चाहते हैं तो आधार नंबर यूज करें, बट मेरा एडवाइस है कि अब अगर आपके पास गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योर करके दिया है तो आप वर्चुअल आईडी का ही यूज करें। दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने आधार का डेटा अब से पहले किसी भी वेब या ऐप पे शेयर कर दिया है तो वहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे डेटा एक्सेस हो चुके हैं, बट अब आप जहाँ भी अपने वर्चुअल आईडी को शेयर करेंगे वहाँ पे आपके सिर्फ नेम, एड्रेस, फोटो और DOB के अलावा कुछ भी शेयर नहीं होगा। तो दोस्तों पहले जो हुआ था वो हुआ, बट अब आप अपने आधार के डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कि आप अपने आधार के थ्रू वर्चुअल आईडी को जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में जाना होगा, गूगल पे आपको टाइप करना होगा UIDAI आधार का ऑफिशियल वेबसाइट, और टाइप करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको UIDAI की लिंक पे ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाता है सक्सेसफुली, देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक आधार सर्विस का एक कॉलम दिख रहा है, और सबसे नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वर्चुअल आईडी VID जनरेटर का एक ऑप्शन है, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक पॉपअप मैसेज आएगा, दिस लिंक सेट टेक यू टू द पेज वेबसाइट, फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द लिंक पेज वेबसाइट प्लीज कॉन्टेक्ट द वेबमास्टर फॉर द कंसर्न वेबसाइट। आपको सिंपल ओके करना है, जैसे आप ओके करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक पेज खुल गया इस तरीके का। और मैं आपको बता दूं अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट लिंक भी ओपन कर सकते हैं, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फॉलो करके डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। दोस्तों इस पेज में है क्या, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक कॉलम मिल रहा है जनरेट रिट्रीव VID, और यहाँ पे इस तरीके का एक कॉलम है, इसमें दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने को आपका आधार नंबर डालना होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चा में यहाँ पे आपको फिल करना होगा, और इधर की तरफ आपके पास यहाँ पे कुछ बटन मिल जाते हैं रीसेट और कैंसिल का,
और यहाँ पे आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा वो यहाँ पे फिल करना होगा। नीचे दो तरीके का ऑप्शन है, जनरेट TTP VID, जब आप फर्स्ट टाइम जनरेट करेंगे तो आपको जनरेट VID पे क्लिक करना होगा, और जब इनकेस अगर आप अपना वर्चुअल ID भूल जाते हैं और आप चाहते हैं कि जो मैंने पहले जनरेट किया था मुझे दोबारा से चाहिए, तो आप TTP ID पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये था ओवरव्यू इस पेज का। चलिए देखते हैं कि इसको जनरेट कैसे करते हैं। नाउ आपको सिंपल यहाँ पे आपका आधार नंबर एंटर करना है, और ध्यान रहे कि आप वर्चुअल आईडी को तभी जनरेट कर सकते हैं जब आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो और वो मोबाइल नंबर करेंटली आपके पास हो। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। जब आप एक बार आधार नंबर एंटर कर दे तब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड एंटर करना होगा, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और जब आप सिक्योरिटी कोड एंटर कर दे तब आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेंड OTP पे। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ऑटोमेटिक रिलोड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो गया, OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। एक बार अपने मोबाइल नंबर पर चेक कर देता हूँ कि वहाँ पे मुझे OTP आया नहीं है। बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे OTP आ गया है, मैं यहाँ पे OTP एंटर कर देता हूँ, और मेरा जो OTP है यहाँ पे वो मैं फिल कर देता हूँ 340794। दोस्तों ये OTP एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है वो है यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है जनरेट VID और TTP VID में आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, और वो है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जनरेट कर रहे हैं तो जनरेट VID पे क्लिक करना होगा, अगर आप सेकंड टाइम इनकेस अगर आपने जो जनरेट किया था वो भूल गए तो आपको TTP VID पे क्लिक करना होगा। मैं फर्स्ट टाइम जनरेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सिंपल क्लिक करना है जनरेट VID पे, और जनरेट VID पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल क्लिक करना है सबमिट बटन पे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंग्रेचुलेशन योर VID नंबर सक्सेसफुली जनरेटेड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है आधार की तरफ से, और यहाँ पे लिखा हुआ है डियर रोहित, आपका जो वर्चुअल नंबर है इज द वर्चुअल ID फॉर योर आधार नंबर और जनरेटेड। इस तरीके से दोस्तों आप अपना आधार नंबर के वर्चुअल ID को जनरेट कर सकते हैं और आप वर्चुअल आईडी का यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में मैंने आधार वर्चुअल आईडी के रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे वो मैंने क्लियर करे हैं। अगर अभी भी आपके पास कुछ क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।